हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाटरफॉल्स। ठीक है, जितने भी इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है जो कि आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है वाटरफॉल्स है, तो ये टॉपिक को आपको पढ़ के जाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने। ठीक है, और इन सभी को आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके रहने की यहाँ से पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा था कि एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दूध सागर फॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया था, याद आया आपको कि दूध सागर का क्वेश्चन आया था आपके वाटरफॉल से। तो अगर कोई क्वेश्चन एक शिफ्ट में आता है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ कैसे पढ़ा जाता है, जो हम लोग जो कुछ भी करें वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो, मतलब हम लोगों का नॉलेज भी हो और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड हो, हम लोग कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं पढ़े। तो मेरा अपना मानना होता है कि एसएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिन भी टॉपिक से आते हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को पीछा करें, उन टॉपिक्स के चारों तरफ अगर आप हर कोई क्वेश्चंस को, हर एक चीज टॉपिक्स को अगर कवर कर ले तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस जीके में भी 40 मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो देखिए, जिस तरीके से दूध सागर फॉल आपके आए एग्जाम में क्वेश्चन में, जो कि इसका आंसर गोवा होगा, ये कहाँ पे है, किस स्टेट में, तो गोवा में होगा। अब हम लोग को इस टॉपिक से अगर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन वापस से दूसरे वाटरफॉल से आया तो हम लोग उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा। अब आपको ये बताना है कि दूध सागर फॉल आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये लोकेटेड, ये किस रिवर में लोकेटेड है, किस नदी में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदोवी जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध सागर फॉल जो है इसी मंदोवी नदी में स्थित, नदी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहां पर आ गया बरहीपनी जो है, बरहीपनी फॉल। ओके, बरहीपनी फॉल आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो बरहीपनी किस में है, तो मयूरभंज में जो है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरहीपनी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, तो मयूरभंज जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जॉग फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जॉग फॉल जो है कहाँ पे लोकेट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉग फॉल जो है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोसगर फॉल, दोसगर फॉल आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोध फॉल्स और बूढ़ागढ़। ठीक है, ये आपका, ये फॉल्स कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है लोध फॉल्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following waterfall is located near झामू बगोड़ा। ठीक है, सेंचुरी इन गुजरात। Which of the following waterfalls is located near झामू बगोड़ा सेंचुरी इन गुजरात, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, हथनी फॉल्स। ओके, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद करना है। और इसका पीडीएफ जो है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके और खुद से भी सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगया गंगई फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, आगया गंगई फॉल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आगया गंगई कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा आगया। उसके बाद कुंचिकल फॉल्स आर लोकेटेड, ठीक है, कुंचिकल फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, तो कुंचिकल कहाँ है, ये आपका हो जाएगा कर्नाटका इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ से, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कि नोहकलीकई जो है ये जल प्रांत, ये वाटरफॉल जो है नोहकलीकई फॉल्स, ये आपको देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो आपको पढ़ना है। तो पहला चीज़ आप देखिए, आपको ये आपको याद करना है कि ये वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपको चेरापूंजी जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नोहकली फॉल इज़ द टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया, इट इज़ इट्स हाइट इज़
340 मीटर्स द वाटरफॉल इज लोकेटेड इन चेरा चेरापूंजी। ओके, और चेरापूंजी कहाँ है? ये आपका मेघालय में है। कुंजीकल फॉल्स के बारे में देखिए, कुंजी फॉल्स जो है ये कहाँ लोकेटेड है? तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट कर्नाटका। ओके, और इसकी हाइट देखिए 455 मीटर है। बरहीपनी जल प्राण जो है, बरहीपनी फॉल्स जो है ये आपका कहाँ लोकेटेड है? बरहीपनी फॉल्स इज टू टायर वाटरफॉल लोकेटेड इन सिमलीपल नेशनल पार्क मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओके, ऑन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा हो जाएगा। तो बरहीपनी कहाँ का है? तो ओडिशा का है वाटरफॉल। और उसके बाद 399 मीटर जो है ये इसका हाइट है। जॉग फॉल, जॉग फॉल क्या हो गया? वापस से आपको बताए थे कर्नाटका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉग फॉल कहाँ से है? तो कर्नाटका आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध सागर फॉल, अब दूध सागर फॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए। वैसे तो आपको पता है कि गोवा में है दूध सागर फॉल। ओके, ठीक है, मंडोवी नदी के पास में है, इस पर क्रिएट होता है ये फॉल। उसके बाद देखिए इसकी हाइट देखिए 1020 फीट ऊँचा है। और इस दूध सागर फॉल को हम लोग सी ऑफ मिल्क भी कहते हैं। ओके, सी ऑफ मिल्क। नायग्रा फॉल्स देखिए, नायग्रा फॉल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि सबसे पहले तो ये फॉल कहाँ लोकेटेड है? तो बॉर्डर ऑफ ओंटारियो एंड न्यूयॉर्क अमेरिका। ओके, उसके बाद इसकी हाइट देखिए 167 फीट है। तो ये आप बस याद रखिए नायग्रा फॉल किधर का है, तो यूएसए का है, न्यूयॉर्क का है। विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल देखिए, विक्टोरिया फॉल साउदर्न अफ्रीका और ऑन द जाम्बेजी रिवर। ओके, एट द बॉर्डर बिटवीन जाम्बई एंड जिम्बावे। इट द हाइट ऑफ द फॉल इज 355 मीटर। अब हम लोग देखते हैं कांधर वाटरफॉल। ठीक है, कांधर वाटरफॉल है ये, देखिए ये कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे कि कांधार जो ये आपको वाटरफॉल है ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल ये कहाँ है? चित्रकूट वाटरफॉल, तो चित्रकूट तो यानी कि छत्तीसगढ़ में ये वाटरफॉल है। धुंधुवर वाटरफॉल जो है, धुवांधर वाटरफॉल ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बरकना फॉल्स ये कहाँ है आपका? ये आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। नौसिन्थियांग फॉल जो है ये कहाँ पे है? ये देखिए ये आपका मेघालय में है। ठीक है, नौसिन्थियांग फॉल। उसके बाद आता है आपको वेंटवांग फॉल, ये कहाँ पे है? ये आपका मिजोरम में है। ठीक है, वेंटवांग फॉल। उसके बाद यूरुप्पु फॉल्स ये कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, इरुपु। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी तक जो भी करवाए हैं इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एडिशनल में ये जो वाटरफॉल्स आप देख रहे हैं, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये कौन सा फॉल कहाँ है? जैसे कि जॉग फॉल देखिए यहाँ दिया हुआ है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? तो कर्नाटका में है। ओके, समझ गए आप इस चीज़ को, तो इसको अच्छे से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। सारे वाटरफॉल्स कवर किए गए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है। अगर वाटरफॉल आएंगे तो मे बी यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, 90% चांस है कि यहीं से पूछेगा। अब एसएससी अपना दिमाग लगाया कुछ और पूछ दिया तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर जितनी जब भी इंपॉर्टेंट अगर वाटरफॉल्स की बात होगी तो इन्हीं पीडीएफ से होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।